ठंड ऐसी कि रेगिस्तान में जमी बर्फ। राजस्थान के 4 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा। पाइप से बर्फ के टुकड़े निकले, चिड़ियों के लिए रखा पानी भी जमा। हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के मैदानों में बर्फ जमने जैसा नजारा शनिवार को राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिला। राजस्थान में शुक्रवार रात प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। शीतलहर चलने और गलन भरी सर्दी के कारण चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर, जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस में चला गया। इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब फतेहपुर के अलावा अन्य 3 और जगहों पर पारा 0 से नीचे चला गया। शेखावटी अंचल, हिल स्टेशन, माउंट आबू, जयपुर समेत कई जगह खुले इलाकों में बर्फ जमी रही। बीती रात सबसे कम तापमान फतेहपुर में -3.8 दर्ज हुआ। बीती रात चूरू में -1.1, जयपुर के जोबनेर में -2, माउंट आबू में -3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। माउंट आबू में पहली बार 24 घंटे के अंतराल में पारा 0 से -3 पर चला गया। आबू में सुबह 9 बजे तक मैदानों में बर्फ जमी नजर आई। यहाँ अमूमन पारा 0 के बाद 1-1 डिग्री की गिरावट के साथ माइनस में जाता है। माउंट आबू के मैदानों में और नक्की झील के किनारे बर्फ परत जमी नजर आई। इसके अलावा सीकर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा में तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। तो वहीं फतेहपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन प्रोफेसर शीशराम डाका ने बताया कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद सब्जियों की फसलों में पाला पड़ना शुरू हो जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्ची, गोभी जल्दी नष्ट होने की फसलें हैं। रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों, चना, अलसी, जीरा, धनिया आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसे रोकने के लिए गंधक के तेजाब का 0.1% मिलाकर उसका छिड़काव करना होगा। जयपुर मौसम केंद्र ने कड़ाके की सर्दी का असर अगले 3 दिन और बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, अलवर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मौसम विभाग ने तेज सर्दी पड़ने के साथ साथ शीतलहर चलने की आशंका जताई। वहीं 20-21 दिसंबर को भी इन शहरों में सर्द हवाएं चलने और तापमान कम रहने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 21 दिसंबर के बाद से मौसम में मामूली बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान बढ़ने लगेगा।